नमस्कार, एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। फरवरी 2021 को देश का पहला पेपरलेस आम बजट पेश किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए डिजिटल इंडिया के तहत ये बजट पेश किया गया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, पांचवा नवाचार, अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का है। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान जताया है। यही राजकोषीय घाटा 2021 में बढ़कर 9.5% रह सकता है। सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा गया है, इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है। इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्ताव में सोने और चांदी पर आयात शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की है। फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5% आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। इस घोषणा के बाद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आएगी। वहीं बजट में रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे का दायरा बढ़ाने, यात्रा की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाई है, जिसमें रेल मंत्रालय के लिए 1.1 लाख करोड़ की घोषणाएं की गई हैं। बजट में आयकर दाताओं को किसी भी तरह का राहत का ऐलान नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से ज्यादा हैं, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न से राहत जरूर दी गई है। वहीं सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट का टैक्स हॉलिडे एक और साल 2022 तक फायदा उठा सकते हैं। अफोर्डेबल हाउस खरीदने के लिए लोन पर 1.5 लाख रुपए की छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। इस बजट में सरकार ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी कई अहम फैसले लिए हैं। असम और बंगाल जैसे चुनावी राज्यों के लिए इंफ्रा ऐलान के साथ यहां के चाय मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी बैंकों को फिर से खड़ा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसके बाद ही शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया। वहीं एनजीओ की मदद से पूर्व घोषित उच्च शिक्षा कमीशन बनाने की भी बात कही। लद्दाख के लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया गया है। सरकार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एमपी की और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एमपी भारत के साथ। नमस्कार। आम आदमी को बजट 2021 से उम्मीदें, क्या हुआ महंगा, मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर,
सोलर से उपकरण, कॉटन। क्या हुआ सस्ता? स्टील से बने सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान, चमड़े से बने सामान।